नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ साक्षी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइव। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की शादी के बीच सोशल मीडिया पर लगातार एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें रणबीर कपूर कॉमेडी नाइट्स विद कपिल, जो कि आज द कपिल शर्मा शो है, जो कलर्स पर कॉमेडी नाइट्स विद कपिल आता था, तो उसमें रणबीर कपूर कपिल के शो पर गए थे अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए, जिसके बीच एक गुत्थी का रोल निभाने वाले सुनील ग्रोवर वहां मौजूद थे और उनकी और रणबीर कपूर के बीच जो एक फनी मोमेंट्स थे वो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसमें रणबीर कपूर से जो गुत्थी है वो बातें करते हुए नजर आ रही है, जो कि फैंस को काफी ज्यादा पसंद आई थी। वहीं जो कपिल शर्मा की फैंस है वो भी काफी ज्यादा पसंद कर रहे थे इस कॉमेडी सीन को, जिसमें गुत्थी जो है वो रणबीर की दुल्हनिया बनी हुई है। वहीं उनसे जाकर बोलती है कि मैं मंडप से भागकर तुम्हारे लिए आई हूँ, तुमसे शादी करने के लिए आई हूँ। ये एक प्यारा सा जो कॉमेडी सीन था वो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें रणबीर ने भी बहुत अच्छे से एक मस्त कॉमेडी सीन बनाया और बहुत अच्छे से रोल को निभाया, जहां वो दोनों साथ फेरे लेते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि 14 अप्रैल 2022 को रणबीर और आलिया शादी कर चुके हैं। शादी के बीच दोनों की जो तस्वीरें हैं वो लगातार वायरल हो रही हैं। वहीं दोनों के शादी के जो हैशटैग्स हैं वो वायरल हो रहे हैं। वहीं लगातार कई सेलिब्रिटीज आलिया और रणबीर को बधाइयां देते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें रणबीर कपूर की एक्स गर्लफ्रेंड भी मौजूद है जो उनको बधाइयां दे रही हैं। अपनी स्टोरी पे पोस्ट शेयर करके आलिया और रणबीर को शादी की शुभकामनाएं दे रही हैं और आगे के लिए ऑल द बेस्ट भी कह रही हैं। वहीं लगातार महेश भट्ट और रणबीर कपूर का भी एक फोटो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें रणबीर कपूर और महेश भट्ट एक दूसरे को गले लगाया हुआ है। ये फोटो फैंस को बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है, जिस तरह का रिलेशन आलिया भट्ट के पिता यानी महेश भट्ट और रणबीर कपूर में दिखाई दे रहा है। एक दामाद और एक ससुर में जो रिश्ता होता है वो साफ दिखाई दे रहा है। इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरह का रिलेशन आलिया का परिवार और रणबीर का परिवार एक दूसरे के बीच रखता है। हालांकि इन दोनों की शादी के बीच प्लानिंग के बीच इन सब चीजों का नहीं पता लगा, मिलना हो या कुछ भी बातें हो या एक दूसरे के घर आना जाना हो, लेकिन अचानक से इस तरह की पोस्ट देखना, इस तरह का रिलेशन देखना जाहिर करता है कि ये एक पुराना रिश्ता है, कहीं ना कहीं पहले से एक बनी एक जोड़ी है जिसको लेकर अब खुशियों की बहार कपूर खानदान में आ चुकी है। इसी के साथ ऋषि कपूर को याद करते हुए रणबीर कपूर ने भी एक घड़ी पहनी है। वो घड़ी रणबीर कपूर ने ऋषि कपूर की याद में पहनी, यानी अपने पिता की याद में। होता है कि अपनी शादी में उनको मिस करना, इस तरह से रणबीर कपूर ने अपने पिता की जो मौजूदगी है वो वहां पर रखी, उनके नाम की वो घड़ी पहनी और एक तरीके से ऋषि कपूर वहां मौजूद रहे, उस शादी में मौजूद रहे। वहीं नीतू कपूर ने भी एक पोस्ट शेयर किया जहां पर ये चीज मेंशन की कि ऋषि कपूर अब फाइनली खुश होंगे क्योंकि रणबीर और आलिया की शादी हो चुकी है। सर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और देखते रहे नेक्स्ट नाइन लाइव। Yeah.